तो गाइज़ आज की शुरू में हम बात करेंगे आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो वीएन वीडियो एडिटर में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आपने सबसे पहले अपने वीएन वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। यह ऐप आपको ईजिली प्ले स्टोर से मिल जाता है, तो आपने इसको वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये वाला मेरे पास वीएन ऐप है, तो अभी मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ नीचे देखिए आपको प्लस का बटन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज़ यहाँ से आपने अपनी गैलरी से अपनी कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि आपने डेमो में देखा यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपनी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी यहाँ से मैं 22 या 23 पिक्चर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखें मैंने कुछ इस टाइप की यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है अपनी गैलरी से, और उसके बाद यहाँ नीचे देखें आपने ब्लू कलर के एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें अभी आपकी फ़ोटोज़ आ जाती है यहाँ पर वीएन वीडियो एडिटर में। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ऐड कर ली हैं, और ये लास्ट में आपको इस ऐप का वाटरमार्क दिखाई देता है, तो आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। तो अभी यहाँ पर सिंपली मैं आपको ये वाली वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। अभी इस यानी कि फ़ोटोज़ के ऊपर हमने कोई भी म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं किया है, और यहाँ पर जो हमारी फ़ोटोज़ है वो इस तरीके से प्ले हो रही हैं बिल्कुल सिंपल। तो अभी यहाँ पर गाइस आपने एक बीट सेंस वाला म्यूज़िक ऐड करना होगा यहाँ पर। तो जिस भाई को भी वो म्यूज़िक चाहिए तो वो मुझसे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसके पास मैं ये वाला म्यूज़िक सेंड कर दूँगा। नीचे मैंने अपना इंस्टा का नेम भी जो है मैंशन किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ आपने फिर से प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने गैलरी से वाली वीडियो का म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेना। इस वीडियो के ऊपर मेरा फेवरेट म्यूज़िक ऐड था। ठीक है, तो जब आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देते हो तो उस वीडियो का जो ऑडियो होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद यहाँ आपने इसको चूज़ कर लेना। और चूज़ क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपको म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ऑलरेडी जो है मैंने इस म्यूज़िक की जो बीट्स हैं उसके ऊपर जो है इस तरीके से बीट ऐड किया हुआ है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये जो है यहाँ पर मैंने इस म्यूज़िक की जो बीट है इनके ऊपर बीट्स ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी से। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने इस म्यूज़िक पर किस तरीके से बीट को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि म्यूज़िक पर यहाँ पर कहाँ पर बीट्स हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जो काफ़ी सारे हमें बीट्स देखने को मिल रहे हैं, तो जहाँ से यानी कि हमें सॉन्ग में बीट देखने को मिलता है उस पॉइंट पर यहाँ पर आपने इस तरीके से बीट ऐड करते जाना है अपने म्यूज़िक पर। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी से यहाँ पर बीट ऐड किया हुआ है, तो अभी मैं इसको यहाँ से राइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से राइड करने के बाद अभी गाइज यहाँ पर देखें हमारा जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर आ जाता है वीएन वीडियो एडिटर में। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो ये म्यूज़िक है यानी कि जो आपका पार्ट है पिक्चर्स वाला, आपने इनके ऊपर क्लिक करना है, और टू फिंगर के साथ आपने इसको इस तरीके से जूम आउट कर लेना, ताकि यहाँ पर जो आपकी म्यूज़िक की बीट्स हैं आप इन बीट्स के साथ अपनी फ़ोटोज़ को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएँ। तो अभी गाइज यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने ये जो ऊपर की तरफ आपको बीट्स देखने को मिल रही हैं आपने इन पर फोकस करना है, और जहाँ पर भी ये बीट स्टार्ट होती है आपने अपनी फ़ोटो को वहीं पर इस तरीके से यानी कि एडजस्ट करना होगा। तो एक बीट जैसे कि यहाँ पर है, तो अभी मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ बीट का। ठीक है, और इसको इसके मुताबिक यहाँ पर अपनी पिक्चर को क्रॉप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यानी कि आपने अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, और इसको इस तरीके से बैक ले आने के बाद जहाँ पर भी म्यूज़िक की बीट ख़त्म होती है आपने इसको उस पॉइंट पर क्रॉप कर लेना है। तो अभी यहाँ पर देखें मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं, और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आपको इस म्यूज़िक की बीट्स देखने को मिल जाती है, तो आपने इस तरीके से इनके साथ अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट करते जाना। तो अभी यहाँ से मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं मैं इनको जल्दी जल्दी से यहाँ पर वीडियो को स्किप करके इनके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ इनके बीट्स के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो अभी गाइज यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे इस म्यूज़िक में जो हमें काफ़ी सारी बीट्स देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा स्किप किया, और यहाँ पर मैंने इस म्यूज़िक की बीट के साथ अपनी सारी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये वाली वीडियो प्ले कर दिखाऊंगा। अभी हमने इन फोटोज़ के ऊपर ब्लैक शेडो भी अप्लाई करना है। तो अभी गाइज जैसे मैं इसको इस तरीके से जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये वाली वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी हमने इन फोटोज़ के ऊपर ब्लैक शेडो इफेक्ट भी अप्लाई करना है। तो इस वीडियो का जो म्यूज़िक है यहाँ पर मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि इससे जो हमें यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है। तो अगर आप म्यूज़िक के साथ ये वाली वीडियो सुनना चाहते हो तो डेमो पर ये वाली वीडियो मैंने लगाई हुई है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा यानी कि म्यूज़िक के साथ सुन सकते हो। तो अभी गाइज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इन फोटोज़ के ऊपर ब्लैक शेडो इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें आपने इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी गाइज यहाँ पर मैं इस वाइट कलर के प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको ब्लैक शेडो देखने को मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ नीचे देखें आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जो ब्लैक शेडो इफेक्ट है वो आपकी सारी पिक्चर्स के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखें आपकी सारी पिक्चर्स के ऊपर यहाँ पर जो ब्लैक शेडो इफेक्ट है वो इस तरीके से अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पर हमारी वीडियो भी क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आप ये वाली वीडियो म्यूज़िक के साथ सुनना चाहते हो तो ये वाली वीडियो मैंने थोड़ा सा यानी कि डेमो पर म्यूज़िक प्ले किया हुआ है,
तो आप ये वीडियो वहाँ पर डेमो में देख सकते हो। और इसके अलावा जिस भाई को भी ये वाला म्यूज़िक चाहिए बीट सेंस वाला, तो वो मुझसे ये म्यूज़िक सेम इंस्टाग्राम पर आकर ले सकता है। तो ये नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम का नेम जो है मेंशन किया हुआ है। तो गाइज यार, इस तरीके से यहाँ पर आप इस तरीके की बीट सेंस वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज यार, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ यार इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।